नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट सक्सेस मंत्रा GTV नगर। जैसा कि हम सबको पता है कि आज पूरा विश्व कोरोना के खौफ से पीड़ित है, जिसकी वजह से हम अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारी लाइफ तो रुकेगी नहीं, वी हैव टू कीप ऑन मूविंग। और उसके लिए हमें अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कोई नहीं, हम मिलकर के इस जंग को भी जीत लेंगे। बस थोड़ा सा हमें अपने आप पे पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आज हम मैथमेटिक्स के फंडे विदाउट डंडे की सीरीज़ का इनिशिएशन करते हैं। स्टूडेंट, मैथमेटिक्स प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाए। सारे के सारे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम दे देते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, यहाँ पे हमारे पास समय तो कम रहता है और क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो सीधी सी बात है हमें ट्रेडिशनल अप्रोच जो फॉलो तो नहीं करना होगा। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सारे चैप्टर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन क्वेश्चंस को, मेरे कहने का मतलब कम्पिटिटिव क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेंड करना, वो अप्रोच हमें आनी चाहिए। तो इस सीरीज़ में हम वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे अप्रोचेस के बारे में जानेंगे जो हमारे टाइम को कम करता है, हमारे आंसर्स की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमें सिलेक्शन लेने में आसानी प्रोवाइड करता है। अब आप ये कहेंगे कि इस सीरीज़ में हमने डंडे का नाम क्यों यूज़ किया। डंडे का मतलब है, जैसे ही हम मैथमेटिक्स हमारे नाम सामने आता है तो दिमाग में ऐसा महसूस होता है कि अब प्रेशर पड़ने वाला है, हम अनईज होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब तक हमने जो भी मैथ पढ़ा है उन सब में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉर्मूले को हमें रटना पड़ा है या फिर बहुत ज़्यादा हमें चीज़ों को मगअप करना पड़ा है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना होगा और डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम लिंक करके, डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लिंक करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो चैप्टर इसमें स्टार्ट करते हैं वो है परसेंटेज। अब बात ये आती है कि भाई परसेंटेज क्यों हम पहले पढ़ें, क्योंकि देखो अरिथमेटिक का जो बेस माना जाता है, जो कोर माना जाता है, जो हार्ट माना जाता है, वो परसेंटेज को माना जाता है। परसेंटेज को अगर हमने अच्छे से समझ लिया, उसके ऊपर अच्छे से हमने ग्रिप बना ली, तो सीधे सीधे हम पूरा का पूरा जो मैथ है उसको हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो परसेंटेज हमने अगर अच्छे से समझा तो 5 जो चैप्टर हैं वो डायरेक्टली क्लियर समझ में आ जाते हैं। तकरीबन 80% पोर्शन उसका पूरा कवर हो जाता है। कौन कौन से चैप्टर हैं वो? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट। जहाँ तक हम बात करते हैं क्लैट की, जो करेंट में अभी न्यू पैटर्न आया है उसमें DI के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो DI को अगर हमें अच्छे से समझना है या करना है तो उसके लिए हमें परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं होगी तो हम DI के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, इस सीरीज़ में हम चीज़ों को बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे और टॉप तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमें सारे के सारे स्टूडेंट को टारगेट करना है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट थोड़े अच्छे होंगे, और थोड़े क्या मतलब पूरे पूरे अच्छे होंगे, जीनियस होंगे, मैथ उनका अच्छा होगा तो उन्हें हो सकता है थोड़ा लगे, लेकिन
एक मजबूत दीवार को बनाने के लिए, एक अच्छा फाउंडेशन बनाने के लिए हमारी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर हमारा बेस क्लियर तो हम बड़े अच्छे से उसको कर लेंगे। तो स्टूडेंट, हम इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बस एक चीज़ चाहिए, क्या? पेशेंस। जैसे करंट की सिचुएशन में कोरोना को हराने के लिए हमें क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। ठीक उसी तरीके से मैथ के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। हमें अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो परसेंटेज, अब बात यह आती है कि भाई परसेंटेज, जैसे हमने नाम सुना परसेंटेज, तो उसमें हमारे दिमाग में तुरंत ये वाला साइन आ जाता है। जैसे हम परसेंटेज कहते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा साइन आ जाता है? ये वाला। अब बात ये आती है कि भाई ये परसेंटेज का साइन तो ये है, और परसेंटेज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? 1/100। कैसे? देखिए बच्चे, जब भी हम परसेंटेज वर्ड यूज़ करते हैं तो हम नंबर के साथ क्या परसेंटेज मतलब ये साइन लगाना चाहते हैं, या फिर हम ये कहें कि जब ये साइन आ जाता है किसी नंबर के साथ तो वो किस में कहलाता है? परसेंटेज में कहलाता है। तो देखिए, टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू परसेंटेज वी मल्टीप्लाई 100। अगर हमें किसी भी नंबर के साथ ये साइन लगाना है, लगाने का मतलब क्या करना है? प्लेस करना है। क्या करना है? प्लेस करना है। तो हमें उस नंबर के साथ 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कोई भी नंबर एक्स है, अगर उसको हमें परसेंटेज में लिखना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये साइंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 100x%। अगर हमें इस साइन को रिमूव करना है, बच्चे क्या करना है? रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे? इस साइन को हटा देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 का। जैसे अगले एग्जाम्पल में, अगर हमें 30% को फ्रैक्शन में लिखना है, या फिर हम ये कहें कि 30% में से परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो देखो 30 into क्या हो जाएगा? 1/100, मतलब डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई परसेंटेज का यूज क्या है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि परसेंटेज मतलब है क्या। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ परसेंटेज की। परसेंटेज है क्या? कंपैरिजन बिटवीन टू एंड मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं कि परसेंटेज के थ्रू दो या दो से अधिक चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं, और जब हम किसी भी चीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो बेस लिया जाता है तो उसको हम कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। बच्चे कितना मानते हैं? 100। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेशन करनी होती है। ऑब्जेक्ट, एक चीज़ को हम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। दूसरे को क्या मानेंगे? बेस ऑफ कंपैरिजन। तो जैसे ही हम इस तरीके से इस फॉर्मेशन में लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100 का, तो चीज़ें किस में आ जाएंगी? परसेंटेज में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? परसेंटेज में। ये हम ये कहेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा, और जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो बेस कहाँ आएगा? नीचे, और गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब हम इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें किस में आ जाएंगी? परसेंटेज में। चलिए इन चीज़ों को हम क्वेश्चंस के थ्रू एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट आता है बेसिक कॉन्सेप्ट में परसेंटेज का, जो पहला क्वेश्चन है वो है ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। अब सीधे सीधे यहाँ ए का कंपैरिजन किससे किया गया है? बी से। सीधे सीधे यहाँ ए का कंपैरिजन किससे किया गया है? बी से किया गया है। तो जब ए का कंपैरिजन बी से हुआ है, या फिर हम टेक्निकली ऐसे समझें कि जिसके साथ ऑफ आए, जिसके साथ हिंदी में का आ जाए, तो वो क्या बनता है? बेस बनता है। तो यहाँ ए का कंपैरिजन हुआ है किससे? बी से। तो ए ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये बी क्या हो गया? बेस हो गया, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो किस में आ जाएंगी चीज़ें? परसेंटेज में आ जाएंगी। अगर सपोज करो ए बराबर बी के है, तो अगर ए बराबर बी के होगा तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, और हमारा आंसर क्या आ रहा होगा? 100%। 100% कब आएगा बच्चे? जब चीज़ें क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर ए बड़ा है बी से तो आंसर 100% से ज़्यादा होगा, अगर ए छोटा है बी से तो आंसर 100% से कम होगा। ठीक इसी टोन में दूसरा क्वेश्चन है, बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए। बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए।
बस क्या है, जो पहले बेस था वो अब ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन बन गया, और जो पहले ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन था वो क्या बन गया है, बेस बन गया है। तो अब यहाँ फॉर्मेशन क्या होगी, बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो बी का कंपैरिजन हुआ है किससे, ए से, तो बी अपॉन ए इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन जो इसमें आता है वो आता है ए इज़ व्हाट परसेंट मोर देन बी। तो देखो जहाँ देन आ जाए तो क्या हो जाएगा, बेस ऑफ कंपैरिजन। लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ वो किसका हुआ है, वो हुआ है ए और बी के डिफरेंस का। किसका कंपैरिजन हुआ, ए और बी के डिफरेंस का। कहने का मतलब कि भाई ए बी से कितना ज़्यादा है, तो ए माइनस बी निकालेंगे, और किससे पूछा गया, बी से, तो अपॉन में क्या आएगा, बी, और इंटू क्या हो जाएगा, 100, इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, ए माइनस बी अपॉन में क्या आएगा, बी, और इंटू में क्या हो जाएगा, 100। लाइकवाइज फोर्थ क्वेश्चन है, बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए। जब हम लेस की बात करें या मोर की बात करें, वी आर फोकसिंग ऑन द डिफरेंस। तो अगेन यहाँ बी और ए के डिफरेंस का कंपैरिजन अब किससे हुआ है, यहाँ ए से हुआ है, कि भाई बी ए से कितना कम है, तो क्या होगा, ए माइनस बी, तो बी कितना कम है ये निकल के आएगा, अपॉन में किससे, ए से कंपैरिजन हुआ है, तो ए इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए इन सारी चीज़ों को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में आया है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे क्लैट का, आईलेट का एग्ज़ाम हो, या फिर बीवीए का एग्ज़ाम हो, एचएम का एग्ज़ाम हो, बीएलएड का एग्ज़ाम हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये टाइप क्वेश्चन कवर ना हुआ हो या पूछा ना गया हो, कभी ना कभी पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए सैलरी इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ बी, देन फाइंड बी सैलरी इज़ 5% लेस देन दैट ऑफ ए। तो बच्चे यहाँ पे सिंपली हमसे ये कह रहा है कि जो ए की सैलरी है वो बी से क्या है, 25% ज़्यादा है। तो जो 25% ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ ए का कंपैरिजन किससे हुआ है, बी से, तो बी क्या है, बेस ऑफ कंपैरिजन। तो बच्चे यहाँ बी क्या है, बेस ऑफ कंपैरिजन, बी क्या है, यहाँ बेस है, बी क्या है, यहाँ बेस है। तो देखो बेस को हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो हमने माना कि भाई बी की सैलरी कितनी है, 100। अगर बी की सैलरी 100 है और ए की सैलरी कितना ज़्यादा है बच्चे, देखो 25% ज़्यादा है। तो देखो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 100 में अगर हम 25 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125। तो देखो बी की सैलरी 100 है, ए की सैलरी कितनी, 125। अब हमसे पूछा क्या गया, पूछा गया है कि भाई बी सैलरी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए, तो ऑफ किसके साथ आया, ए के साथ। तो ए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और कंपैरिजन किसका हुआ है, बी की कमी का। तो देखो बी कितना कम है, 125 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 25। अब किससे कंपैरिजन हुआ है, ए से, तो अपॉन में क्या आएगा, 125, और इंटू कितना, 100। 25 से ये कितनी बार, 5 टाइम कैंसिल होगा, और 5 से ये कितने टाइम, 20%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे एक बार पॉज करिए, फिर उसको समझिए, और फिर दोबारा उसको रिपीट कर लीजिए बैक जा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ये बैंक में पूछा गया है और इसकी लैंग्वेज को चेंज करके अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है। क्या है ये क्वेश्चन, एक काम करिए आप इस वीडियो को अभी पॉज करिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिखें, और फिर उसके बाद खुद से ट्राई करें, और जो आपको एक बार लगा लें तो उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करके एक बार इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंटरव्यू पैनल फाउंड दैट ए कैंडिडेट हैज़ गिवन ए रॉन्ग डेटा अबाउट हिज हाइट वाइल फिलिंग अप हिज फॉर्म, ही फिल्ड अप 20% मोर देन हिज एक्चुअल हाइट, हिज एक्चुअल हाइट इज 6 feet 5 inch, बाई वॉट परसेंट शुड ही रिड्यूस हिज हाइट टू गेट एक्चुअल हाइट। अब स्टूडेंट जैसे ही इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में
इस पॉइंट को लेकर के कन्फ्यूजन रहता है इसकी एक्चुअल हाइट। तो एक्चुअल हाइट से आपको मतलब ही नहीं है, आपने बस ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार अच्छे समझना है कि उसने क्या किया है। एक्चुअल हाइट उसकी जो जितनी थी उसको उसने छुपाया और अपनी हाइट को बढ़ा के लिख दिया। तो कितना परसेंट बढ़ाया उसने, 20%। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि उसकी पहले हाइट 100 यूनिट थी, तो 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120%। तो इसका मतलब गलती से उसने अब कितना लिख दिया, 120% लिख दिया, लेकिन था कितना, 100 था। जो भी है ये यहाँ पे ये कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। हमने इसको कितना मान लिया, 100% के बराबर, क्योंकि ये बेस है, जो उसकी एक्चुअल हाइट है वो क्या है, बेस है। तो देखो अगर 100% थी, अब वो कितना हो गया, 120%। अब हमें क्या करना है, 120% में से वापस 100% पे पहुँचना है। कहाँ पे पहुँचना है, 100% पे। तो देखो 120 में से कितना कम करें, 20 कम करें, कितना कम करें, 20। अब 20 हमें कम करना है किसमें से, 120 में से। तो बेस क्या होगा, 120 होगा, और इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 होल 2/3%। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, 16 होल 2/3%। एक बार इसको हम दोबारा समझते हैं। जो भी हाइट थी वो 100 थी, हमने 20% बढ़ा के लिख दी तो कितना लिख दिया, 120। तो अब हमें 120 से वापस कहाँ पे जाना है, 100 पे जाना है। वापस किस पे जाना है, 100। तो देखो कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा, किससे, 120 से। तो 120 क्या बन गया, बेस बन गया, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू कितना, 100। तो 20 से कितनी बार, 6 बार, और 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, चलिए अब मैंने बताया था कि परसेंटेज होता है दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन। अभी तक हमने दो पॉइंट्स को लिया था, दो ऑब्जेक्ट्स को लिया था, अब हम तीन ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम कितने ऑब्जेक्ट लेते हैं, 3 ऑब्जेक्ट। एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को लिखें अच्छे से, खुद से करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद फिर से इसको प्ले करें। चलिए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी आर 20% एंड 50% मोर देन दैट ऑफ सी, सी के बाद फिर रेस्पेक्टिवली आप लगा लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि ए और बी का कंपैरिजन किससे किया गया, सी से। और जब सी से कंपैरिजन किया गया तो बच्चे सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और बेस को हम कितना लेते हैं, 100। तो अगर सी 100 है, सी कितना है, 100 है, तो देखो ए कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा। ए कितना ज़्यादा, 20% ज़्यादा, तो ए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और बच्चे बी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए का कंपैरिजन किससे हुआ, बी से। तो ए की वैल्यू ऊपर 120 और बी की वैल्यू नीचे 150, इंटू हम 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। कहने का मतलब ए की तुलना किससे की गई है बच्चे, ए की तुलना की गई है हमारी बी से। तो बी कितना है, 150, और इंटू कितना, 100, कितना आ जाएगा, 80%। ठीक इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में बी की तुलना किससे की गई है, ए से। तो बी अपॉन ए इंटू 100 कितना हो जाएगा, 125%। देखो बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम कंपैरिजन करते हैं और दो चीज़ें इक्वल हों तो आंसर आना चाहिए 100%। तो पहले वाले कंपैरिजन में आंसर आया है 80%, इसका मतलब ए बी से कितना परसेंट कम है, 20%। दूसरे वाले में जो कंपैरिजन में आंसर कितना है, 125%, इसका मतलब बी का कंपैरिजन हुआ है तो बी ए से कितना ज़्यादा है, 25%। और इन्हीं चीज़ों को हमने अलग से नेक्स्ट टू क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि भाई ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन बी। तो देखो ए बी से कितना कम है, तो यहाँ पे ए कितना है, 120 है, और बी कितना है, 150 है। एक बार इसको हम दोबारा से देखते हैं। ए कितना है, 120, और बी कितना है, 150। तो दोनों कम कितना है, डिफरेंस कितना, 30। तो तीसरे क्वेश्चन में तो देखो 30 कम है किससे, बी से। तो क्या हो जाएगा, 30 अपॉन में क्या आएगा, 50, इंटू क्या हो जाएगा, 100, 150 होगा। तो इसको हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 20%। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम पहले वाले क्वेश्चन से भी कर सकते थे। तो जो क्लैट वाले स्टूडेंट हैं, बैंक वाले स्टूडेंट हैं, वो ये बात को ध्यान रखें कि जब हम DI के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो इसका बहुत यूज होएगा। क्या यूज होएगा, मैं DI जब पढ़ाऊँगा तब आपको समझाऊँगा कि भाई इसका कैसे यूज करेंगे। कि पहले वाले हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन का, लेकिन हम अगर इस तरीके से ना करके इससे करें तो देखो कितना परसेंट कम, 20%। तो आंसर कर देंगे 20% लेस है। फोर्थ क्वेश्चन,
बी इज़ वाट परसेंट मोर देन ए। अब बी का कंपैरिजन किससे हुआ है, ए से हुआ है। बी का कंपैरिजन किससे हुआ है, ए से। फोर्थ क्वेश्चन, बी का कंपैरिजन हुआ है ए से, तो देखो बी ए से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो 30 अपॉन कितना, 120। 120 क्यों आया, क्योंकि ए क्या है, बेस ऑफ कंपैरिजन, इनटू क्या हो जाएगा, 100। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए आप खुद से कि क्या आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 35% ऑफ बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ वैल्यू ऑफ ए इज 700। तो देखिए बच्चे हमें क्या दे रखा है कि 20% ऑफ ए बराबर है 35% ऑफ बी। हमने एज इट इज को लिख दिया, 20% ऑफ ए बराबर 35% ऑफ बी। अब इक्वल टू का साइन है, देखो 5% से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 टाइम, और ये कितने टाइम कट जाएगा, 7 टाइम। तो नीचे क्या आ गया, 4, और हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू हमने पुट की, तो 4 ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो 4 × 700, और यहाँ 7 आ गया, 7 × b। 7 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 4 × 700 / कितना, 7। 7 से ये काटेंगे कितने टाइम, 100 टाइम, और 100 × 4 कितना हो जाएगा, 400। तो हमारा आंसर आ गया 400। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ए कंपनी डिक्लेयर्स ए डिविडेंड ऑफ 12% ऑन 100 शेयर्स, ए हाउस वाइफ बाइज सच शेयर्स एंड गेट्स 15% ऑन हर इन्वेस्टमेंट, एट व्हाट प्राइस शी बॉट द शेयर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, किसमें, NLU 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो को पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें। चलिए देखिए एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमसे ये कह रहा है कि भाई एक कंपनी है, उसने 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। तो पहले ये समझें 100 का मतलब क्या है, यहाँ 100 का मतलब है रुपए। क्या, कौन सा रुपए है, कि भाई एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितना है, 100 है। तो देखो कंपनी कितना डिक्लेयर करेगी, 12% किसका, 100 का। तो देखो 12% अगर मैं निकालूं 100 का तो कितना आएगा, 12 ही आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है, अब जो भी अमाउंट, जो 12 रुपये दिए हैं कंपनी ने, वो किसके पास जाएंगे, जिसके पास वो शेयर है। अब शेयर किसने खरीदा हुआ है, ए हाउस वाइफ बाय सच शेयर, उस शेयर को खरीद लिया, और उसको कितना परसेंट रिटर्न मिला, 15%। कंपनी कहती है कि हमने 12% दिया है, और वो लेडीज़ कहती है, हाउस वाइफ कहती है कि उससे 15%, इसका मतलब उसने कम में खरीदा होगा। तो कहने का मतलब, अगर उस हाउस वाइफ ने उस शेयर को एक्स में खरीदा, कितने में खरीदा, एक्स में, तो देखो एक्स के ऊपर उस, वो कह रही है 15% उसको प्राप्त हुआ डिविडेंड, तो देखो 15% ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, डिविडेंड की वैल्यू। और जबकि कंपनी ने कितना दिया, 12% ऑफ 100, तो इसका मतलब 15% ऑफ एक्स बराबर होगा 12% ऑफ एक्स। सॉल्व करेंगे इसको हम काट के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12% गुना कितना, 100 / 15, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलो इसको आप ऐसे समझिए कि भाई कंपनी ने 12% 100 पे दिया, तो कंपनी ने कितना दिया, 12 रुपये दिया। अब ये 12 रुपये किसको मिले, लेडीज़ को। अगर 12 रुपये लेडीज़ को प्राप्त हुए, उसने खरीदा कितने में, x में, तो अपॉन में क्या आएगा, x, और इनटू हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो बराबर कितने के होना चाहिए, 15 के। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x को इधर लेके आएंगे, 15 को इधर लेके आएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80% आ जाएगी, ₹80। तो दोनों ही केस में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक बार फिर से इसको समझते हैं बच्चे, कि कंपनी ने 12% डिविडेंड दिया है, किस पे, एक शेयर पे, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए एक बार फिर से देखते हैं चीज़ों को।
12% किसका, 100 का। तो कंपनी ने तो ये डिक्लेयर किया। कंपनी ने 12% दिया है एक शेयर पे, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है बच्चे, 100। तो 12% ऑफ 100, जबकि हाउसवाइफ कह रही है कि उसको 15% मिला है। तो उसने सपोज करो एक्स में ख़रीदा है, तो उसको कितना रुपया रिटर्न मिला, 15% किस पे, एक्स पे। तो ये 15% एक्स किसके बराबर होगा, 12% 100 के। तो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, खुद से ट्राई करिएगा। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, ये भी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम का ही है, क्लैट 2014 में आया है। बच्चे वीडियो को एक बार पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं। इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, तो हमसे क्या कह रहा है, ए का जो 80% है वो बराबर है किसके, बी के 20% के। तो देखिए ये 20% से ये कितने टाइम कट जाएगा, 4 टाइम। तो 4 इंटू ए बराबर 1 इंटू, ये 1 टाइम होगा, 1 इंटू बी। हमें बच्चे यहाँ तो देखो वेरिएबल को एक साइड हमने ले लिया, तो ए अपॉन में क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सेकेंड हमसे क्या पूछा गया, बी बराबर 5x% ऑफ ए। तो सेकेंड कंडीशन में दे रखा है बी बराबर 5x% ऑफ ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, 4। 4 हमने आउटपुट कर दी 5x%, तो गुना लगा करके एक्स अपॉन कितना हो गया, 100। बताया था कि परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो एक्स अपॉन 100 और गुना ए, ए की वैल्यू कितनी है, 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को लिखें और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। क्या कह रहा है ये देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। If the weight of dry grapes is 250 kg, what is the total weight when it was fresh? तो बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है। देखो ड्राई ग्रेप्स, तो ड्राई ग्रेप्स में, ये ड्राई ग्रेप्स हैं, इसमें वाटर का कंटेंट कितना है, 80%। तो अगर हम इसको पूरा का पूरा ड्राई ग्रेप्स को जितना भी उसका वेट है उसको 100% माने, तो उसमें से 80% पानी है। तो देखो पल्प क्या होगा, 20%। जब हम बात करते हैं फ्रेश की, तो देखो फ्रेश में हमें वाटर कितना दे रखा है, 10%। अगर 10% वाटर है तो देखो पल्प कितना होगा, 90%। अच्छा एक बात बताओ, जो फ्रेश ग्रेप्स हैं अगर उससे हम ड्राई ग्रेप्स पे जाएंगे तो चेंज किस में आया, पानी में चेंज आएगा, जो वाटर है वही तो एवेपोरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पल्प की मात्रा है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जब पल्प की क्वांटिटी सेम रहेगी, परसेंटेज में डिफर करेगा क्योंकि बेस चेंज हो गया, बेस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखो पल्प की जो ड्राई ग्रेप्स में मात्रा है 20%, वो बराबर होगा फ्रेश ग्रेप्स का 90% के। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिख देंगे कि 20% ऑफ ड्राई ग्रेप्स बराबर क्या होगा, 90% ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। हमने ड्राई ग्रेप्स और फ्रेश ग्रेप्स को एक तरफ लिया और इधर 90, बच्चे थोड़ा सा गलत हो गया है, जब हम ड्राई ग्रेप्स अपॉन में क्या आ जाएगा, फ्रेश ग्रेप्स, तो बराबर होगा आपका 90/20, तो कट के आ जाएगा 9/2। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 9/2 होगा। तो देखो जो ड्राई ग्रेप्स हैं वो आपका कितना है, 9 यूनिट, और फ्रेश ग्रेप्स आपका कितना है, 2 यूनिट।
बच्चे एक बार इसमें थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक की है, इसको एक बार देखते हैं दोबारा से। देखिए ये जो मैंने यहाँ फ्रेश ग्रेप्स लिखा है, इसकी जगह आप फ्रेश ग्रेप्स की जगह कर लीजिए ड्राई ग्रेप्स, और ड्राई ग्रेप्स की जगह कर लीजिए फ्रेश ग्रेप्स। बस ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, बाकी सब सही है। देखिए फ्रेश ग्रेप्स, जो फ्रेश ग्रेप्स हैं उसमें वाटर कितना है 80% और पल्प कितना है 20%। ये जो ड्राई ग्रेप्स हैं उसमें वाटर कितना है 10% और पल्प कितना है 90%। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि भाई फ्रेश ग्रेप से जब ड्राई ग्रेप्स में जाएंगे, फ्रेश ग्रेप्स को किस में जाएंगे ड्राई ग्रेप्स में, फ्रेश ग्रेप्स से जब हम जाएंगे ड्राई ग्रेप्स में तो चेंज किस में आएगा वाटर में। जब वाटर में चेंज आएगा तो जो वाटर की क्वांटिटी वो बराबर नहीं रहेगी, लेकिन जो पल्प की क्वांटिटी वो क्या हो जाएगी बराबर। तो हम कह सकते हैं 20% ऑफ, यहाँ पे फिर से फ्रेश ग्रेप्स, 20% ऑफ फ्रेश ग्रेप्स बराबर होगा 90% ऑफ ड्राई ग्रेप्स। तो फिर आपका क्या निकल के आ जाएगा, फ्रेश अपॉन ड्राई बराबर क्या होगा 9/2। कहने का मतलब जो ड्राई ग्रेप्स हैं वो कितने हैं 2 यूनिट, और फ्रेश ग्रेप्स कितने हैं 9 यूनिट। हमें आपको देखो क्या दे रखा क्वेश्चन में, ड्राई ग्रेप्स की क्वांटिटी दे रखी है कितना 250, तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा 250 के बराबर, 2 यूनिट कितने के बराबर होगा 250, तो 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 250/2 गुना कितना 9, तो 1125। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगर बच्चे कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से एक बार क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं, खुद से एक बार करने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 16 लीटर्स ऑफ 25% एसिडिक लिक्विड टू 20% एसिडिक लिक्विड। अगेन बच्चे एक बात को समझें, यहाँ पे क्या है एक टाइप का कोई मिक्सचर है, यहाँ पे क्या है एक टाइप का एक मिक्सचर है जिसमें कुछ क्या है टोटल इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है 16 लीटर, जिसमें एसिडिक एसिड है बाकी कोई अदर कंटेंट होगा। एसिडिक एसिड की जो मात्रा है वो कितनी है 25%, टोटल ये पूरा कितना है 100%, जिसमें से एसिडिक एसिड कितना है 25%। वो कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना क्या मिला दिया जाए वाटर, इसमें कितना वाटर और मिला दिया जाए जिससे कि एसिडिक एसिड का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाए 20%। तो देखो अगर हम एज्यूम करें कि माना हमने एक्स लीटर पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया एक्स लीटर, तो अगर हम एक्स लीटर पानी मिलाएंगे तो पहले कितना था 16 था, हमने इसमें प्लस कर दिया एक्स, तो एक्स अगर प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 16+x। तो देखो पहले था 16 लीटर और अब बाद में कितना हो गया 16+x, लेकिन अगर हमने पानी इसमें मिलाया तो क्या एसिडिक एसिड की जो क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज आएगा, तो आप बोलोगे नहीं। जब आप बोलोगे नहीं तो इसका मतलब 16 का 25% बराबर होगा किसके 16+x के 20% के। हमने क्या किया 4 से इसको ये 4 टाइम काटा, इसको कितना 5%, और 5% से एक बार देखिए फिर से हमने ये 5% से ये कितने टाइम 5 टाइम, और ये कितने टाइम 4 टाइम, और 4 से ये कितने टाइम 4 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 20 = 16+x, और x बराबर कितना आ जाएगा 4 लीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, और फिर हो जाए तो वीडियो को फिर से प्ले करें और एक बार देखें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए टाउन द रेशियो ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इज 9:8:3 फुल स्टॉप, 80% मैन आर लिटरेट एंड 30% वुमेन आर इलिटरेट, इफ 90% ऑफ चिल्ड्रन आर लिटरेट देन परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी ऑफ
ऑफ दैट टाउन इज़। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितना परसेंट इलिटरेसी है। क्या पूछा गया, कितना परसेंट इलिटरेसी है, तो इलिटरेट परसेंट पूछा गया है। जबकि अब इस क्वेश्चन में हमें ये तो बताया नहीं गया है कि मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, लेकिन उसका हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। कितना, 9:8:3। मतलब इसका क्या है कि जो मैन है वो कितना है, 9 यूनिट है, वुमेन है कितना है, 8 यूनिट, और चिल्ड्रन कितना है, 3 यूनिट। हम मानते हैं कि भाई जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 मान लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी, तो देखो 10 से अगर हम पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करें तो मैन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 90, वुमेन कितनी हो जाएंगी, 80, चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 30, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 200। अब आप ये बोलेंगे कि सर हमने क्यों माना ये, सर हमने ये दोस्तों हमने इसलिए माना जिससे हमारी इससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भाई मेन हमारे पास कितना है, 90। अब हमें निकालना क्या है, इलिटरेसी परसेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि मेन में कितने इलिटरेट हैं, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 80% मेन क्या है, लिटरेट। 80% मेन लिटरेट हैं, तो देखो अगर इलिटरेट परसेंट निकालना है तो मेन की पॉपुलेशन टोटल होगी तो उसको हम कितना मानेंगे, 100%, और उस 100% में से क्या माइनस कर देंगे, इलिटरेट परसेंट। तो देखो 100% में से इलिटरेट परसेंट माइनस किया तो कितना आ गया, 100-80%। बच्चे कितना, 100-80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। तो देखिए लिटरेट मैन कितना है, 20% किसका, 90 का। तो टोटल पॉपुलेशन 90 और उसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 18। जब हम वुमेन के बारे में देखते हैं तो हमें डायरेक्ट इलिटरेट परसेंटेज दे रखा है 30%, वुमेन कितना है, 80, और 80 का 30% कितना आ जाएगा, 24। लेकिन हमें चिल्ड्रन के लिए दे रखा है 90% चिल्ड्रन आर लिटरेट। जब 90% चिल्ड्रन लिटरेट हैं तो 100 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10%। तो 10% क्या होंगे, इलिटरेट। तो 30 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो देखिए टोटल हमारे पास जो इलिटरेट हैं वो कितना आएंगे, 45। 18+24+3 कितना हो जाएगा, 45। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि 25 200 का कितना परसेंट है। तो अभी थोड़ी भी देर पहले मैंने आपको बताया था ए की जगह यहाँ पे क्या है, 45, और बी की जगह क्या है, 200। तो ए अपॉन बी मतलब 45/200 इंटू कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, 22.5%। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हुआ कि 22.5%, 22.5% पॉपुलेशन क्या है, इलिटरेट है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो गई रह गई है तो आप वीडियो को फिर से बैक जा कर के एक बार देखें, आई होप कि समझ में आएगा। नहीं आता है तो कोई भी कोई डाउट रहता है तो बाद में आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बच्चे वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें, खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि रामू स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट एंड लेफ्ट विद ₹6,000। फाइंड एनुअल सैलरी ऑफ रामू। हमसे क्या पूछा गया, एनुअल सैलरी पूछा गया, किसकी, रामू की। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर खर्चा करेगा तो किस में से खर्चा करेगा, अपनी मंथली सैलरी में से। तो इसके खर्चे का जो बेस है, तो यहाँ बेस क्या बना, जो बेस है वो क्या बनी, मंथली सैलरी। क्या बनी, मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी को हम कितना मानेंगे, 100%, और 100% में से उसने खर्चा कितना किया है, 40%। अगर 40% खर्चा कर दिया तो भाई बचा कितना उसके पास, 60%। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर, सॉरी सेविंग। ये क्या है, सेविंग। तो देखो 60% उसने क्या किया, बचाया है। तो 60%, और यहाँ पे क्या कह रहा, लेफ्ट विद 6,000। तो सिंपल हम क्या कर देंगे कि 60% किसके बराबर है, 6,000 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर, 6,000 डिवाइडेड बाई कितना, 60, और 100% इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 10,000। कितना आएगा बच्चे, 10,000, जो कि क्या है, पर मंथ। और हमसे पूछा क्या गया, एनुअल सैलरी। तो देखो एनुअल सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 × 12। तो आंसर हमारा होगा 1,20,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया। अगर आप एक्स से लेके चलेंगे तो एक्स से एक बार देख लो कि मान लिया कि रामू की सैलरी कितनी है, एक्स है। तो देखो एक्स का 60% उसने खर्चा,
एक्स का 60%, उसके पास बचा कितना 60% बचा, तो एक्स का कितना 60%, एक्स का 60% कितने के बराबर होगा 6000 के बराबर, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आपका आ जाएगा 10,000, और जो कि इसकी पर मंथ सैलरी है, उसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नोट डाउन करें, खुद से करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है दिव्या स्पेंड्स ₹44,668 ऑन हर एयर टिकट्स एंड ₹56,732 ऑन बाइंग गिफ्ट्स फॉर द फैमिली मेंबर्स एंड द रिमेनिंग 22% ऑफ द टोटल अमाउंट शी हैड एज कैश विद हर, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। तो देखो बच्चे, उसने मतलब 44,668 रुपए खर्चा किया किसके ऊपर, एयर टिकट्स के ऊपर, और 56,722 खर्चा किया है किसके ऊपर, गिफ्ट्स के ऊपर। तो उसने टोटल खर्चा कितना किया, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। अब उसने देखो बचाया कितना है 22%, अगर हम परसेंटेज में देखें तो उसने बचाया कितना, टोटल सैलरी उसकी 100%, 22% उसने बचाया है, तो खर्चा कितना किया है 78%। तो हम ये कह सकते हैं कि 78% कितने के बराबर है, 1,00,1,400 के बराबर। तो अगर हम ये कहें 78% इतने के बराबर है, तो सिंपल हम क्या बोलें 78% बराबर है टोटल एक्सपेंडिचर के। तो 1% कितने के बराबर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई कितना 78। तो हमने यहाँ पे यही किया है कि टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई 78 और इनटू क्या कर दिया 100, तो क्या निकल के आएगी टोटल अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है 100%। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,30,000। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। आउट ऑफ टोटल इनकम मोहन स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ मोहन सेव्स ₹1,800, फाइंड टोटल इनकम ऑफ मोहन। तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या, रिमेनिंग दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे, रिमेनिंग दे रखा है कि मोहन ने मोहन की जो सैलरी है, कोई भी सैलरी है, लेट से हम इसको पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मोहन की जो सैलरी है वो कितनी है एक्स है, माना कि मोहन की सैलरी कितनी है एक्स। अब 20% क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी है वो रिमेनिंग दे रखी है, तो हम किसके ऊपर फोकस करेंगे रिमेनिंग। तो देखो अगर उसकी सैलरी एक्स है और उसने 20% खर्चा किया, तो उसके पास बचेगा कितना 80%, 80% किसका एक्स का। तो अब इस रिमेनिंग में आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग का 70% उसने अगर खर्चा कर दिया, तो उसके पास अगेन कितना बचा 30% बचा, तो हम क्या निकालेंगे 30% ऑफ 80% ऑफ एक्स। तो ये कौन सा अमाउंट है, वो अमाउंट जो बचा हुआ है, और बचा हुआ अमाउंट हमारे पास कितना है, ये वाला पोर्शन किसके बराबर है इसके। तो इसका मतलब 30% इंटू 80% इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1800। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा जो एक्स की वैल्यू है वो आएगी 7,500। तो ये जो आपका तरीका है, ये तरीका है आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाला, हम एक्स मान करके चलते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में बड़े अच्छे से देखेंगे कुछ अलग ढंग से। क्या आउट ऑफ द टोटल इनकम मोहन, तो देखो माना कि मोहन की जो टोटल इनकम है वो कितनी है 100 है, हमने मोहन की टोटल इनकम कितनी मान ली 100। अब 100 में से उसने 20% एक खर्चा किया, तो 100 में से अगर 20% हमने माइनस किया तो बताओ बच्चे कितना बचेगा 80 बचेगा, और इस 80 का उसने अगेन कितना 70% खर्चा किया, तो 70% खर्चा किया तो बचा कितना 20। इसका हम 70% माइनस करेंगे तो 70% 80 का कितना आएगा 56 आएगा, तो 80 में से 56 किया तो कितना बचा 24 बचा। तो जो फाइनल उसके पास बचा है वो कितना है 24, एक्चुअल में कितना बचा है 1800। तो हम ये करते हैं कि 24 यूनिट बराबर है 1800 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर 18 डिवाइडेड बाई 24, तो कितना आ जाएगा 75। तो 100% 100 यूनिट वैल्यू, देखो टोटल इनकम कितनी मानी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 इंटू 7500। तो हमारा आंसर होगा
7500। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, फिर से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है। दिव्या क्रेडिट्स 10% ऑफ हर सैलरी इनटू हर बैंक अकाउंट एंड स्पेंड्स 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इफ कैश ऑन हैंड इज ₹12,600 फाइंड हर इनकम। तो देखो ट्रेडिशनल तरीके से तो मैंने यह कर ही दिया है कि भाई अगर उसने 10% खर्चा किया तो बचेगा कितना 90%, और फिर एक 30% खर्चा किया तो बचा कितना फिर 70%। तो हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं 70% ऑफ 90% ऑफ एक्स बराबर कितना 12,600। तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 20,000। चलिए इसको हम कैसे करते हैं डायरेक्ट कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई दिव्या की जो सैलरी है वो कितनी है 100 है, उसने 10% खर्चा किया तो बचे देखो 10% अगर खर्चा किया तो बचा कितना होगा 90 बचा होगा, और जब 90 में से 30% और खर्चा कर देती है तो देखो बच्चे जब 30% खर्चा करेगा तो 30% किसका 90 का, तो देखो 90 का जो 30% है वो कितना 27 रुपये आएगा। तो अगर 90 में से अगर हम 27 घटाएं तो कितना बचेगा देखो 63 बचेगा नहीं बचेगा यस और नो, कितना आएगा 63। तो देखो 63 कितने के बराबर है 63 बराबर है इसके 12,600। तो अगर 63 बराबर है 12,600 के तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200। तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 100 में 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20K, आंसर आ जाएगा 20,000। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हिमांशु डिसाइडेड टू डोनेट 16% ऑफ हर मंथली सैलरी टू एन ऑर्फनेज। ऑन द डे ऑफ डोनेशन सी चेंज्ड हर माइंड एंड डोनेटेड ₹4,500 विच वॉज 75% ऑफ वाट शी हैड डिसाइडेड अर्लियर। हाउ मच इज़ हिमांशुज मंथली सैलरी। हमसे पूछा गया है कि भाई हिमांशु की मंथली सैलरी क्या है। बच्चे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लिया कि हिमांशु कितना रुपए कमाता था 100 कमाता था, और उसने कहा कि भाई 16% मैं क्या करूँगा डोनेट कर दूँगा। तो देखो 100 का 16% कितना होता है 16 होगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब वो डोनेशन करने पहुँचा तो उसने 16 ना दे करके कुछ अलग अमाउंट दिया जो कि कितना था 75% किसका, हमसे कह रहा है 75% ऑफ व्हाट सी हैज, सॉरी सी की जगह ही कर लीजिएगा, ही हैज डिसाइडेड अर्लियर। उसने कितना डिसाइड किया था 75%। तो बच्चे देखो 75% किसका 16 का, तो 16 का 75% कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा क्या 16 × 75%। तो देखो 75 अपॉन कितना 100। 25 से इसको कितनी बार 3 बार काटेंगे, कितनी बार 4 बार, और 4 से कितनी बार ये 4 बार, सॉरी कितना हो जाएगा 4 × 12। तो इसको भी थोड़ा चेंज करें, ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है बच्चे, तो इसको एक बार कैलकुलेशन को चेंज करिएगा 12। अब 12 यूनिट ये जो 9 है इसकी जगह क्या आएगा 12। 12 यूनिट कितने के बराबर होगा 4500 के, तो क्या हो जाएगा 4500। तो 100 कितने के बराबर, तो देखो 4500 डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितना 100। एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाय 5%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। तो बच्चे देखो खर्चे का जो बेस है वो क्या होता है इनकम होता है, ठीक है।
तो हम इनकम को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अगर एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो खर्चता कितना है, 60%, तो 100 का 60% कितना होगा, 60, तो 100 में से 60 गया तो कितना बचा, 40, तो वो बचाता कितना है, 40 रुपये। क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी जो इनकम है वो 15% इंक्रीज हो जाती है, तो 100 में 15% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, 115, जबकि क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 5%। तो पहले वो कितना खर्चा करता था, 60, पहले वो 60 खर्चा करता था, 5% बढ़ गया, तो देखो 5% बढ़ाया तो 0 से 0, 5 से कितनी बार, 2, और 2 से कितनी बार, 3, तो 3 बढ़ा। तो अगर हम 60 में प्लस 3 कर देंगे, प्लस 3 करेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 63। तो देखो अब वो 115 रुपया इनकम होएगी उसकी, और 63 उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, तो 115 माइनस 63 कितना आया, 52। तो उसकी सेविंग कितनी हो गई, 52। हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन इज सेविंग, तो पहले वो 40 रुपये बचाता था, अब कितना, 52, तो कितना चेंजेस आया, 12, कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 12 अपॉन 40 इंटू कितना, 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30%। आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं फिर से। चलिए देखिए, आईलेट में जो क्वेश्चन आते हैं या बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करने पहुँचते हैं, तो अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू, लॉजिक्स के थ्रू उनको सॉल्व करें तो बहुत ही क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा। इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड फ्रॉम स्कूल ए इज 70%। तो बच्चे देखो, जो अपियर हुए स्कूल ए में, जो अपियर हुए हैं उसमें से कितने 70% क्वालिफाई हुए हैं। तो देखो क्वालिफाई का बेस क्या हो जाएगा, अपियर हो जाएगा, क्वालिफाई का बेस क्या होगा, अपियर। तो अगर 100 स्टूडेंट स्कूल ए में अपियर हुए तो क्वालिफाई कितने होंगे, 70 होंगे, जबकि कह रहा है स्कूल बी में जो अपियर हैं वो 20% ज़्यादा हैं, किससे, ए से, तो 100 से 20% ज़्यादा, तो 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अच्छा कह रहा है जो क्वालिफाई हैं बी के वो ए से 50% ज़्यादा है, तो 70 प्लस 50% ऑफ 70 कितना, 35, तो 70 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 125। और हमसे सिंपली पूछा गया है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड फ्रॉम स्कूल बी। तो देखो 115, 105 ने क्वालिफाई किया, तो 105 डिवाइडेड बाई बेस क्या बना, 120 अपियर, तो 105 ने क्वालिफाई किया आउट ऑफ 120 इंटू कितना, 100, तो कितना आ जाएगा, 87.5%। बहुत ही बढ़िया। नाउ द टाइम हैज कम टू चेक योर लर्निंग्स। तो बच्चे क्या करना है, इसको एक बार आप पॉज करिए, सारे क्वेश्चंस को आप लिखिए, और फिर उसके बाद जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाइएगा, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टाइम टू चेक योर स्कोर्स, आंसर दे रखे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा थोड़ा सा फन वे में, कि फाइंड योर लर्निंग्स, कि आपकी जो लर्निंग है वो कितना परसेंट हुई है। यहाँ 4 क्वेश्चन थे तो हमने अपॉन में 4 कर दिए, सब कुछ करें कि आपके चारों क्वेश्चन सही हैं, ठीक। तो देखो 4/4 इंटू कितना, 100, तो आपकी लर्निंग जो हुई है वो कितनी हुई है, 100%। अगर आपके 3 सही हैं तो 3/4, तो कितना आ जाएगा, 75%। तो साथ के साथ हम अपनी लर्निंग को भी क्या करेंगे, चेक करेंगे, किस में, परसेंटेज में, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन थोड़ा अच्छा लगा होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई विल इम्प्रूव इन द लेटर ऑन वीडियोस एज पर योर कमेंट्स, एज पर योर कन्वीनियंस, कि आपको क्या चीज़ और चाहिए, आप कि मैं अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करता तो और अच्छा रहता, या कोई कुछ और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नाउ द टाइम हैज़ कम टू थैंक यू, टू से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में परसेंटेज की अगली क्लास में। आज हमने सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को कवर किया, अगली क्लास में और अच्छे अच्छे इसके कुछ टेक्निक्स देखेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच।